अब तक आपने देखा चंदर के साथ गई सिमरन के लिए परेशान अंबा उसे घर जल्द से जल्द आने को कहती है। रमन की मदद से सिमरन चंदर के शिकंजे से छूट जाती है। सिमरन की शादी रोकने में लगी अंबा बीना के पास रखी सिमरन की जन्म पत्री बदल देती है ताकि सिमरन और चंदर के गुण ना मिल पाए। पर अंबा की शादी तोड़ने की तरकीब उल्टी पड़ जाती है और पंडित जी द्वारा कुंडली दोष दूर करने के उपाय से सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहले सिमी का ब्याह गधे से करवाया जाए। सिमी मम्मी अब जाओ यार, तुम अभी मैं नहीं कर सकती, मम्मी मुझे मार डालो, मम्मी वो पत्नी नकली है। मैं जानता था। अंबा अपने ही जाल में फंस जाती है और सिमरन की गधे से हो रही शादी को रोकने के लिए चंदर अंबा के सामने एक शर्त रखता है जिसके चलते मन्नू को चंदर के सामने अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। मैं नहीं देख सकता अपनी सिमरन का ये हाल, आप रब के लिए ये बंद करवा दीजिए। पंडित जी आप ही कोई उपाय सुझाओ। चंदर बाबू और बिटिया की शादी 2 दिन के अंदर हो जाए। हाँ जी पंडित जी, हमें मंजूर है, शादी 2 दिन में ही होगी। सिमरन की शादी ना रोक पाने से परेशान मन्नू अपनी बहन को बचाने के लिए रमन के साथ उसकी बताई गई तरकीब में हाथ मिलाता है। हमें सिमी को घर से भगाना होगा। इधर पवनिया परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाता है। तभी सिमरन की मेहंदी की रस्म में रमन किन्नर के वेश में पवनियों के घर पहुँचता है। अब आगे शुरू हो जा रही। जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे इस बैग के अंदर हैं। बस दीदी आपको इस आम की पेड़ की डाली से नीचे जाना है। पूरा दीदी वो रमन वीर जी वो आपको छोड़ देंगे। दीदी हमारे पास कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, इसलिए आप ये जैकेट ले लीजिए। दीदी आप चले जाइए यहाँ से। आखिरी मौका है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा पाओगे दीदी। सब लोग यहीं पे, किसी ने देख लिया तो और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दीदी जाओ ना। परचाई इतना क्या सोच रही है यार, जल्दी कर वीरे, तो इतनी हर तरफ चहल पहल है, पर से पवनियों का घर है, शादी है यहाँ पे यार, ये दुश्मन का इलाका है, जल्दी कर वीरे, जल्दी कर। शांति रख यार। दीदी आप नहीं बच पाओगे अगर आप यहाँ पे रहोगे तो। दीदी आप भैया के साथ चले जाइए। दीदी जाओ ना, जल्दी करिए वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये लीजिए दीदी। वीरे चल चलते हैं यार, वीरे भाई फंस जाएंगे, चल।
है दीदी? आपको अभी भी लगता है कि वो हमारा दुश्मन है? वो हमारा दोस्त है, वो हमारी मदद करना चाहता है। दीदी अगर आप उसके साथ चले जाते ना, सब ठीक हो जाता। वो आपको ले जाता यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पे चंद्र भी नहीं आ पाता। अब क्या करेंगे दीदी? उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपका आखिरी मौका था, ये भी आपने गवा दिया। सब गड़बड़ हो गया दीदी। सही कहा तूने मन्नू, मैं चली जाती यहाँ से, बहुत दूर चली जाती। चंद्र शायद मुझ तक पहुंच भी नहीं पाता। लेकिन तूने सोच कैसे लिया कि मैं भाग जाऊंगी? मैं कैसे भाग सकती हूँ मन्नू? सबको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुझे क्या लगता है मन्नू, कि अगर मैं भाग जाती तो चंदर सब कुछ खामोशी से मान लेता? वो मान लेता कि हाँ सिमी भाग गई है तो अब तो शादी नहीं होनी, चला जाता वहां से। नहीं होता ना मन्नू। तुझे याद है वो रोके के दिन मैं ठंड के लिए गायब क्या हो गई थी? क्या किया था? तो था ना वहां पे, तूने देखा ना उसने क्या किया था? चलो मैंने मान लिया कि मैं भाग, मुझे छोड़, गुंजन को छोड़ के, मम्मी को छोड़। लेकिन क्या विजय तुम लोगों को छोड़ देती? चंदर, चाचा जी, ये सब मान जाएंगे कि हाँ सिमी भाग गई है तो शादी अब नहीं होगी? मन्नू मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए भाग जाती। मम्मी को छोड़ के, मम्मी को छोड़ के कैसे जा सकती? उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है? दिन रात यही सोचती रहती है कि उनकी बेटी की शादी कैसे कैसे टूटे। तुझे पता है कई रातों से ना वो नहीं सोई है, यही सोचती रही है कि सभी की शादी कैसे टूटे। और मुझे ये भी पता है मेरा मन्नू भी कई रातों तक नहीं सोया, वो भी यही सोचता रहा कि दीदी की शादी कैसे टूटे। मेरा छोटा सा भाई अचानक से इतना बड़ा हो गया और सबकी जिम्मेदारी ले ली। मनु मैं शायद भाग जाती, मुझे आजादी मिल जाती, लेकिन अपनी मनु को, कुंजन को, मम्मी को खो देती ना, मैं तुम लोगों को खो देती। मैं रह लूंगी चंद्र के साथ दीदी, क्योंकि जब मैं उसके साथ अपने घर आऊंगी तुम सब लोग वहां होगे, मेरा परिवार खुश होगा, मेरा मन्नू खुश होगा, कुंजन, मम्मी सब लोग खुश होंगे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे, मन्नू हंसता खेलता रहे। बस यही मेरी आजादी है मन्नू। दीदी आप इतने अच्छे क्यों हो? आप एक तो मम्मी के जैसे हो, हमेशा सबके बारे में सोचते रहते हो, आप ऐसे क्यों हो? ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं? देख यार, है
गाड़ी के आगे क्यों खड़ी है? हटिए। जानता है तू, ये पवनियों का इलाका है। हाँ होगा, तो हम क्या करें? आज पवनियों की बेटी की मेहंदी है और कल शादी, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? अरे वही तो कह रही हूं मैं, जो तू करना चाहता है ना उसे करने की कोशिश भी मत करना। हाँ समझा ना? तुझे क्या लगता है, तू मेरी टोली में घुस के मेरी टोली के जैसा नाटक करेगा तो मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगी क्या? पागल, भगाने की कोशिश कर रहा था तू अंबा की बेटी को हैं? अरे तू बाजवों का बेटा, वो पवनियों की बेटी, अगर तुम दोनों मिल गए ना तो अमन ही अमन हो जाएगा इस पिंड में, जानती हूं मैं। लेकिन ये एक खुशनुमा ख्वाब है, ख्वाब जो कभी पूरा तो होना नहीं है, इसलिए अगर तूने उसे भगाने की कोशिश की या उसकी शादी में रोड़े अटकाने की कोशिश की ना तो खून की नदियां बह जानी है इस पिंड में, समझा? इसलिए मेरी बात मान, और ये जो सवार है ना तेरे सर पे, ये फितूर, उसे उतार और घर जा और नहा धोकर बाजुओं का अच्छा बेटा बन। अरे भूल जा सिमरन को, इसी में सबकी भलाई है। जा ए, जा। ओ वीरेंद्र चल दे यार, बस बहुत हो गया यार। अरे वारे, अब क्या खेल दिखाएगा तू? हैं? दीदी मुझे माफ कर दीजिए, हाँ बस आपके बारे में सोच रहा था और किसी के बारे में नहीं। मेरा तरीका गलत था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया। लेकिन मम्मी, अब मैं दीदी को उस कमीने चंद्र के साथ नहीं भेजूंगा। मेरा वादा है मेरी दीदी से, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी बहन को उसके पास नहीं जाने दूंगा। चाहती तो मैं भी नहीं कि मेरी जिम्मी की शादी उस जैसे आदमी के साथ हो। तेरी शादी तो नहीं होने दूंगी मैं जिम्मी। मम्मी, आज जब मैं स्कूल गया था ना तो बाहर कार में चंदे की लड़की को मार रहा था। मनु, याद है तूने मुझे कहा था कि वो चंदर किसी लड़की के साथ रहता है, उसके साथ मार पीटता है। बस हमें उस लड़की का पता चल जाए और कोई सबूत मिल जाए ना तो हम बीजी को बता सकते हैं और फिर ये शादी टूट जाएगी। अब बस यही एक रास्ता है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ से आ रहा है तू? कुछ बेकार की कोशिश करने गया था, लेकिन किसी चीज का कोई फायदा नहीं। तू फिर पवनियों के इलाके में गया था, उसी से मिलने गया था, बोलता क्यों नहीं? हाँ, सिमी को भगाने गया था, यहाँ से बहुत दूर। फिर क्या हुआ, भागी हो तेरे साथ? देख इधर, क्या भागी हो तेरे साथ? दे दिया ना धोखा उसने। नहीं बुआ, उसने कोई धोखा नहीं दिया। धोखा तो तब होता ना अगर वो वादा करके मुक्त जाती। उस बेचारी ने तो मुझसे कोई वादा ही नहीं किया था। सिम्मी ने तो आज तक मुझसे ये भी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन बुआ, क्या प्यार में ये चीज जरूरी है कि दोनों प्यार करें?
ये तो कोई शर्त नहीं हो सकती ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू, हाँ? ऐसा क्या जानता है तू प्यार के बारे में? लौंडेबाजी की उम्र में एक लड़की क्या पसंद आ गई तो तुझे क्या लगने लगा कि तू प्यार का मसीहा बन गया? सब जानता है तू प्यार के बारे में। पवनी है वो लोग, पवनी है, काट के रख देंगे तुझे ऐसे, और तुझे पता भी नहीं चलेगा। उनकी रग रग में सिर्फ और सिर्फ धोखा है धोखा। तू चिल्लाते रह जाएगा मगर कोई नहीं सुनेगा तेरी, समझ आई? जगन पवनिया के रग रग में सिर्फ और सिर्फ धोखा ही है, किसी का सगा नहीं है वो, किसी से प्यार नहीं कर सकता वो। हुआ उसका नाम जगन नहीं, सिमरन। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ था, मैं सिमरन से बहुत प्यार करता हूँ। जरा बैठ। तू जानता है मैं इस घर में सबसे ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ। जब तू पैदा हुआ था ना, तब से लेकर हमेशा मेरे पीछे ही भागता रहता था, सिर्फ मेरे साथ ही खेलता था। अपनी तोतली जबान से बुआ 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 करके मेरे पीछे भागता रहता था। लेकिन बेटा, अब जो तू खेल खेलने जा रहा है ना, वो इतना आसान नहीं, बहुत दर्द है उसमें। तुझे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही होगी, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? हुआ, आगे क्या होगा उसके बारे में मैं सोच कर परेशान तो बैठ नहीं सकता ना। दर्द तो अब भी होता है, उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, बहुत दुख होता है हुआ। ये सोचता हूँ ना तो साले हराम खोर, मुफ्त की रोटी लगी है मुंह पे, नमक कौन डालेगा दाल में? तेरा बाप हाँ की क्या दिखा रहा है? साले नौकर होके औकात भूल रहा है। आप साथ दो ना दो बुआ, मैं तो कोशिश करता रहूं। क्या करूं सिमरनदीप की शादी कैसे रुकूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा जी, आपने कोई रास्ता दिखाई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा साथ नहीं देंगी, ये बात तो समझ में आ गई। पता नहीं बेचारी सिम्मी किस हाल में होगी, कैसे रोकी जाए उसकी शादी। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम सिमरन दीदी की शादी रोक पाते। मैं तो जब भी इस चंद्र को देखती हूँ ना, ऐसा बागड़ बिल्ली जैसा लगता है, मन करता है जो झापड़ लगाऊं उसके और उसके मौसा जी के। चंद्र कैसा परेशान करता है अपनी दीदी को? हाँ, क्योंकि उसने अभी तक मनुद्री टोड़ नहीं रखी है। एक दिन उसको मिल जाए ना, दिन फोड़ देनी है मैंने उसकी। हाँ तो ठीक है ना, ऐसे ही करते। चोर! भैया आप यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आ गया। वैसे ये तरीका सही है, उसके घर पे घुस के उसको मारते हैं ना। हाँ ऐसे ही करते हैं, चंद्र को जाके उसके घर पे ही मारते हैं, शायद उसको बुरा लग जाए और वो लोग शादी तोड़ दें। मगर फिर भी मन्नू, ये कौन है?
दोस्त। साला सबका दिमाग खराब हो गया। कोई दाल में नमक नहीं डालता है और कोई खेतों में पानी नहीं छोड़ता। अगली बार ढंग के बहाने लाना। सारा पूरा दिन खेतों में पानी छोड़ा, तेरा बाप भरे नुकसान अगर हुआ तो। भाजी माफ कर दो, गलती हो गई। मारो उसको, ठोको, तोड़ो सारे को। पवनियों के यहाँ शादी तुड़वानी है। मैं किसी भी हाल में जगन को खुश नहीं देख सकती, और ये शादी तुड़वाने के लिए मुझे मेरे भाई के गुस्से का फायदा उठाना होगा। क्यों मार रहा था उस बेचारे को? और चुप कर, अंदर जा। यहाँ क्या कर रही है तू? मुझे चुप कराता रहे और उस गरीब को मारता रहे। लेकिन सुन ले, इससे सच नहीं बदलने वाला। और सच यही है कि बहुत जल्द पूरे पिंड में उस जगन पवनिया का नाम होने वाला है। तेरे आशिक का नाम जबान सब तक गया नहीं है। तेरे दुश्मन का नाम ले रही हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो बहुत जल्द वो जगन पवनिया ऐसा कुछ कर जाएगा जिससे जिंदगी भर तो उसका नाम अपनी जबान से नहीं उतरवा पाएगा। अगर सुन सकता है तो सुन। जगन पवनिया ने पास के गांव के बंसलों से अपनी भतीजी का रिश्ता तय कर लिया है, और बदले में हमारे आसपास की जितनी भी जमीन है ना, वो पवनियों के नाम हो जाने वाली है। तू समझ भी रहा है अजीत? हम पवनियों से चारों तरफ से घिर जाएंगे, लेकिन तू बस यहाँ खड़े खड़े अपना गला गीला करता रहे, और वहां तेरे खेत सूखे पड़ जाने, क्योंकि जगन ने ना सारा डीजल खरीद लिया है अपने समधी के स्वागत में जनरेटर चलाने के लिए, और तेरे खेत के जनरेटर बंद पड़े हैं। लेकिन तू फिर भी ऐसे गरीब लोगों पर अपना गुस्सा निकाल। अरे असली गुस्सा निकालना है ना, तो उस जगन पवनिया पर निकाल। समझ आई? लेकिन मन्नू, अगर हम लोग ऐसे ही चले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना, है ना? हाँ, आप तो सही कह रहे हो। तो एक काम करते हैं ना, हम स्कूल चलते हैं, वहां से रामलीला वाले कपड़े उठा लेंगे, भेष बदल के जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं बैंड बजाऊंगी। इसकी मम्मी के चक्कर में सिमरन जी कितना फंस गया बेचारी। मैं बताती हूँ उसे। गुंजन चीची, इसको भी साथ में ले लेते ना। इस गधे के साथ मैं नहीं आने वाली। गुंजन दीदी, हमारा फायदा भी है, हम इसको सबसे आगे रखेंगे, और अगर हम फंस जाते हैं तो ये तो है ही ना आगे, पूरा तो शीश के ऊपर ही जाएगा। रावी चाची भी कुछ नहीं बोल पाएंगी। वाह मन्नू, सुखी मन्नू वो तुम्हारे वीर जी है। सुखी वीर जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझे फंसाना चाहते हो? सुखी वीर जी, हम तो सोच रहे थे कि हम आपको कहीं तफरी करा के लाते हैं, लेकिन अब आपका मन तो है ही नहीं। ठीक है, हम ही चले जाते हैं। चलो गुंजन जी, चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी चलता हूँ ना। हाँ तब चलिए, लेकिन ध्यान से, कोई हमारी आवाज ना सुन ले। ओके ओके, मन्नू, हम लोग पीछे के दरवाजे से क्यों जा रहे हैं? पीछे खुफिया तफरी है। शान, कोई आपको सुन ना ले। ठीक है ठीक है।
वो साले पवनिया और उनके समधी वहां मजे से गुलछर्रे उड़ा रहे, और हमारे यहाँ खेतों में डीजल नहीं है, पानी नहीं आ रहा है। वो इतना मारना सालों को, इतना मारना शब्द ही छोड़ के भाग जाए, छोड़ो नहीं साले नो। और नहीं छटेंगे पाजी। हाँ चलो गड्डी में बैठाओ, नहीं छटेंगे जी, चलो नहीं छोड़ेंगे। कि लाइट किस गजरे चलाई तू? ओजी लाइट मैंने जलाई है। क्यों? वो मुझे मेरी पूंछ नहीं मिल रही है तो ये ना हम सबको मरवाएगा। ओ बास्कर, और वैसे भी मैं हनुमान बनाऊं, थोड़ा ढंग से बात कर। पटिल्लू हनुमान जी के अवतार, लाइट जली भी किसी ने देख लिया पकड़े जाएंगे, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ओए कुछ नहीं होगा, मुझे मेरी पूंछ ढूंढने दे। ठीक है ना, ढूंढ ले, चुप आवाज मत कर। मेरी पूंछ पूंछ मेरी पूंछ। ऐ देख मिल गई पूंछ। चुप, धीरे बोल, पाले फिर इसको। मनु लाइट बंद कर, सब लोग इधर आओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम जाते हैं, सब लोग अपने मुखौटे पहन लेंगे, वहां पे किसी भी तरीके से जैसे भी घुस जाते हैं ना, सबको बेल बेल के मारेंगे, किसी को नहीं छोड़ना, लेकिन मुखौटे अपने ध्यान रखो, कोटे कोई नहीं उतारेगा, ठीक है? ओए ओए मैनू भी दसो जी, वो करना क्या है? आराम से। ओए ओए वीर जी, ओए वीर जी आप भी ना, वीर जी कुछ नहीं करना है, हम जैसे जैसे करते हैं हमारे पीछे पीछे वैसे ही करना है आपको, ठीक है? हाँ। अब उठ जाइए, उठ जाइए, आराम ना, उठ जाइए भाई, खुद को संभालिए। ये ले। ओए 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 ओए। ओए मनु, हम ना इसे घर ले चलेंगे। हाँ बीजी, घर ले चलेंगे। हो गया, चले चलो, लंका पे आक्रमण करने का समय आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। और चुप, और जय श्री राम, चुप। मैं निकल रहा हूँ, बाद में मेरे पीछे पीछे आना, कोई छोड़ने बचाएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है। बिल्कुल नचेंगे। आज तो उस खोते को इतना मारूंगा, जब तक इसका दूसरा जन्म नहीं हो जाता ना, तब तक याद रखेगा। ओए ओए, पर मैंने करना किया है उस चंद्र की पिटाई। ओए नहीं, ओए वो तो हमारे जीजा जी है। वीर जी, गुंजन जी जी लड़ाई थोड़ी। वीर जी, ये एक रस्म होती है जिसमें होने वाले जीजा जी को मारना पड़ता है, लेकिन शर्त ये है कि उनको हमारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, बहुत नेक मिलता है। ओए तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी, मैंने सोचा कि मैं अपना नेक दूसरों को क्यों बांटूं? पहले वो गुंजन जी जी आ गई और अब भी आप भी आ गए, तो तीन हिस्से हो जाएंगे ना। कोई नहीं वीर जी, मेरा दिल बड़ा वड्डा है, मैं आपके साथ बांटूंगा एक हिस्सा। ओए तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। तिल्लू तू कैसे जाएगा? ओए मन्नू, ये है कौन? ओए इतनी देर से हमारे साथ आ रहा है? वीर जी आप हनुमान जी हो ना? ओए हाँ, ओए मैं ही हूँ हनुमान। तो ये आपकी मानव सेना? पर हम इसे नेक का हिस्सा नहीं देंगे, समझ गया ना तू? वीर जी सबसे पहले आप जाओगे। जा। वो देख रहे हो? पूरा आवरण है।
दस सरों वाला। ओए नहीं, ओए वो तो जीजा जी के मौसा जी है। वीर जी नेक मिलने वाला है, इसलिए तो करना पड़ता है ना, इसलिए समझो कि वो रावण है। देखा ओए हाँ, दिखाई दिया। तो फिर आप हनुमान जी हैं, आप सबसे पहले जाएंगे और हम आपकी वानर सेना, तो आप आगे आगे जाएंगे, हम आपके पीछे पीछे आएंगे, नहीं? हाँ। लेकिन मुखौटा सबको पहनना है। ओए जाफर, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, जय श्री राम। ऐसे संभालते हैं? हाँ बिल्कुल, जरूर। गड़बड़ ना कर दे ये कुछ। सुखी बीजी को इसने पहचान लिया, अब क्या करेंगे वाहेगुरु जी।